हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम टेबल बनाते हैं तो उन टेबल में जो सेल होती है, अगर उसके बीच में हमें स्पेस देना हो तो हम कैसे देंगे। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में हमने कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, पूरी टेबल के बीच में आप। ठीक है, तो हमने यहाँ बीच में क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें ऊपर दो नए टैब मिलते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल और ये लेआउट। ठीक है, याद रखिए ये दो टैब आपको तभी दिखाई पड़ेंगे जब आप टेबल के बीच में कहीं पर क्लिक करेंगे। तो हमें जाना है लेआउट टैब में। ठीक है, तो हमने देखिए लेआउट टैब में क्लिक कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमको जाना है सेल मार्जिन पे। ये रहा सेल मार्जिन का ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए टेबल ऑप्शन का ये छोटा सा विंडो आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग में यहाँ अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल पे चेक मार्क लगा दीजिए, और यहाँ पर अपने हिसाब से जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम 4 mm स्पेसिंग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल में जितनी भी सेल है सबके बीच में 4 mm की स्पेसिंग आ जाएगी। तो चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए,